सो ही व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राज टेक जोन। गाइज मैं आपका दोस्त मुर्शिद राज वापस आ गया टिकटॉक की एक बहुत जबरदस्त नाम लिखने वाला वीडियो की एडिटिंग को लेकर। सो गाइज जैसा कि आप टिकटॉक पे देख रहे होंगे, एक नाम लिखने वाला वीडियो जो है पैंथर रनिंग वाला काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है टिकटॉक पे। कुछ कुछ बंदे ने तो सिर्फ नाम लिख लिख के 25,000-30,000 जो है फैंस फॉलोइंग बढ़ा लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। और जैसा कि मैंने सुबह में कुछ वीडियोस को अपलोड किया था, मैं अपने टिकटॉक पे लेके आपको पहले दिखा दूं, तो जैसा कि देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे नाम लिख लिख के वीडियो को अपलोड किया था, तो सभी पे अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं। किसी पे 1,000 है, किसी पे 1,000 से ज़्यादा है, इस पे तो मेरे 7,424 आ गए। और ये वीडियो वायरल होता क्यों है, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो 408 लोगों ने कमेंट किया है और सब कमेंट में यही बोलते हैं कि मेरा नाम बना दो, मेरा नाम बना दो, मेरा नाम बना दो। तो इस तरह से आप सभी का जब नाम बनाने लगोगे ना, तो काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लगेगा आपका वीडियो, और इस तरह से आपके फैंस भी बढ़ेंगे और आपका आईडी भी ग्रोथ होगा, जल्दी अनफ्रीज भी हो सकता है। तो चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह की नाम बनाने वाली वीडियो को आप कैसे बना सकते हो। तो बहुत आसान है गाइस, इस तरह का नाम बनाने के लिए सिर्फ एक फुटेज चाहिए आपको, और उस फुटेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी साउंड की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने फुटेज में ऑलरेडी साउंड लगा दिया है, कुछ इफेक्ट्स भी डाल दिया है। तो सिंपली आपको फुटेज डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपको चलना है काइन मास्टर पे और वीडियो के एडिटिंग को स्टार्ट करना है। तो चलिए काइन मास्टर पे चलते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा। प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो लेना है, और मैंने जो आपको फुटेज का लिंक दिया हुआ है वहां से आप फुटेज को डाउनलोड कर लेना, और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको वो वाला फुटेज लेना है। तो यहाँ पर हम उस फुटेज को ले लेते हैं, और फुटेज में मैंने ऑलरेडी साउंड लगा दिया, मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी साउंड लगा हुआ है ये पैंथर, और इसमें मैंने कुछ इफेक्ट भी डाल दिए जिसमें कि हट ऊपर की तरफ मतलब चलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब आपको क्या करना है कि 2.8 पे जाना है। यहाँ पे टाइमिंग आप देखो, 2.8 पे आपको जाना है। 2.8 पे जाने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जिसका भी नाम लिखना है वो नाम लिख दो, और टोटली आपको जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, तभी जाके जो है आपका अच्छा से मतलब ये आएगा इफेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टोटल कम्प्लीट कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ दानिश जैन भाई का, और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैं। अब इस जगह से आपका टेक्स्ट आ जाएगा, इससे आप बड़ा छोटा कर सकते हो अपने टेक्स्ट को जितना करना चाहते हो, तो मैं इतना कर देते हैं करीब, और इसके जो लाइटिंग के मेन पॉइंट में रखो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके फॉन्ट को चेंज करना है। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए डबल ए पे क्लिक करना, और उसके बाद यहाँ से हम इस वाले फॉन्ट को ले लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है टिकटॉक का ये सब मिलेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और अगर मेरे जैसा इस वाले को आप यूज़ करना चाहते हो, या इस वाले को, या इस वाले को, किसी वाले को, तो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा काइन मास्टर के एसेट स्टोर। काइन मास्टर के एसेट स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले यहाँ पर क्लिक करना है, इस जगह पर, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है घर जैसा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर टी जो लिखा हुआ है, इस टी पर क्लिक करना है, टी फॉर टेक्स्ट, और यहाँ पर देखो एक डिस्प्ले का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो इस डिस्प्ले पर क्लिक करना, और सबसे लास्ट में चले जाना, इसके सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे देखो एक रोनियम मिल जाता है, तो इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, बहुत छोटा सा है, इंस्टॉल करोगे तो आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगा। आप इस टेक्स्ट के अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो बहुत सारे स्टाइलिश टेक्स्ट अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ टेक्स्ट फ्री होते हैं, बाकी सभी के लिए कुछ पे करने होते हैं। इसके कलर को चेंज करना है तो फिर से इस पर क्लिक करो, यहाँ पर सर्किल है, इस पर क्लिक करना, और यहाँ से ले लो रेड कलर, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो है इफेक्ट आएगा। उसके बाद आपको गाइज इस पे थोड़ा सा इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने से पहले आपको यहाँ पे जाओ और इस वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके इसके राइट साइड से कट कर दो, यानी कि एक्स्ट्रा पार्ट को, तो इस पे कैंची पे क्लिक करो, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड। अब इसमें इफेक्ट लगाना है, तो इफेक्ट लगाने से पहले थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लो दो उंगली से, फिर इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर इन एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके और इसे पॉप कर दो, ये वाला, तो कुछ ऐसा आएगा। दूसरा चीज़ गाइस, फिर से इस पर क्लिक करो, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है की का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दो, फिर आगे यहाँ पे की करो, और यहाँ पे की करके थोड़ा सा बड़ा कर दो, फिर आगे जाके थोड़ा सा नीचे कर दो, फिर आगे जाके थोड़ा सा ऊपर कर दो, ऐसे थोड़ा इफेक्ट डालोगे ना तो ये नाम थोड़ा सा हिलता डुलता रहेगा, तो देखने में काफ़ी गजब लगेगा आपको। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसे कर देते हैं इतना पे। अब देखो आप जैसे ही प्ले करोगे तो आपको कुछ ऐसा इफेक्ट नज़र आएगा, तो ये म्यूज़िक के साथ जो है थोड़ा सा हिलने लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कई बार ऐसा होगा कि ये जैसे ब्लू में है, ये पैंथर दौड़ रहा है ब्लू में, अगर आप चाहते हो कि इसका मैं कलर चेंज करूँ, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आओगे कलर फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, और थोड़ा और नीचे आओगे जैसे रेड करना है तो इस रेड पर क्लिक करना, और फिर आपको ओके करना है,
और फिर से एक बार इस पर क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आना, कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, इसे कर देना ऊपर में 50 और इसे कर देना नीचे में 100। तो चलो ऐसे मैंने 101 कर दिया, तो देखो इसका कलर जो है रेड हो चुका है। और आपने टेक्स्ट का कलर कर देना कुछ और, या रेड ही रहने देना चलेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे इस तरह से पीला, ठीक है। तो आप नाम भी चेंज इस तरह से कलर इसका चेंज कर सकते हो। तो देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, ये रेड बन जाएगा और आपका नाम भी आएगा काफ़ी स्टाइल में। चलो अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि चलो मैं और कोई कलर दूसरा चेंज करूँ, तो फिर से इस पर क्लिक करना और ये कलर फिल्टर पे जाना। जैसे कि मैं इस बार पीला करना चाहता हूँ, तो और नीचे आओ, ये देखो पीला टाइप का है, इस पर क्लिक कर दो। उसके बाद फिर से इस पर एक बार क्लिक करो और नीचे कलर एडजस्टमेंट पे आओ। इस बार इसको कर दो नीचे करीब 20-22 पे कर दो और उसका इसे कर दो पूरा नीचे और इस तरह से प्ले करो। तो देखो इस बार ये पीला हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है गाइज, इस तरह से आप नाम बना के डाल सकते हो म्यूज़िक के साथ। और जैसे ही देखो आपका नाम जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब इसे आपको सेव करना है अपने मेमोरी कार्ड में। सेव करने के लिए आपको सबसे पहले इस गियर पे क्लिक करना होगा और ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और ओके करना है। देन आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से 720p यहाँ से 30 सिलेक्ट करके और एक्सपोर्ट करो। गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की ट्यूटोरियल हर रोज़ अपलोड होती रहती है जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। सो मिलते हैं इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर